बागपत में उत्तर प्रदेश के भविष्य को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जिस तरीके से तीरंदाजी का ये लोग ये खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि खेतों में ही देसी जुगाड़ बनाकर अपने निशानेबाजी कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जनपद में कोई भी खेल की सुविधा नहीं है और इनके घरेलू जो हालात है वो बहुत कमज़ोर हैं, जिसको लेकर उन्हें कोच की भी सुविधा नहीं है, जिस बात को लेकर ये जो युवक हैं, ये जो युवतियाँ हैं, ये अपने खेत में ही देसी जुगाड़ कर अपने निशानेबाजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आगे नेशनल और इंटरनेशनल खेलना है और अपने घर गांव और जनपद का नाम रोशन करना है। निकिता, आप खेतों के अंदर तैयारी कर रहे हैं आर्चरी के, क्या कारण? एक तो कोच नहीं है और सुविधा नहीं है यहाँ पे बागपत में। जी वही, एक तो सुविधा के लिए और दूसरी कोच की दिक्कत है और घर के बस हालात ऐसी है, इसलिए खेत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने मीटर की तैयारी आप कर रहे हैं? 70 मीटर। 70 मीटर ही। तो किस लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किस आगामी? जूनियर आ रहा, एक सब जूनियर है, मतलब स्कूल खेल है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। आपने बताया कि सुविधा जिले के अंदर नहीं है, तो क्या कहने चाहेंगे जिला प्रशासन? जी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा सहयोग करें और ये इसी वजह से घर की दिक्कत सीधा। बागपत शहर में गौवंशों का हाल बेहाल है, जिसकी बाद की देखी गई। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक गौवंश को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गोरक्षक दल व लोकल आदमियों ने उसको वहां से हटाया और उसको सम्मान तरीके से दफनाकर उसका अंतिम संस्कार करा, लेकिन उनकी साफ तौर पर नाराज़गी है कि किस तरीके से यहाँ जनपद में हाईवे पर खुलेआम गौवंश आ जा रहे हैं, यानी गौवंशों की रखरखाव की यहाँ कोई जनपद में सुविधा देखने को नहीं। आपको परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शराफत सिद्दीकी, भारतीय गोरक्ष सेना जिला अध्यक्ष बागपत। अध्यक्ष साहब, क्या हुआ, भीड़ हो जाएगी? हाँ, मेरे को सूचना मिली थी 8:40 पे, मेरे पदाधिकारी ने सूचना दी कि राष्ट्रीय वन्ना चौक से आगे पड़ोत रोड पर बंधन बैंक के पास एक गौ माता को टक्कर लगी है, ट्रक से टक्कर लगी है, वो टक्कर मार के वो चला गया है। अज्ञात गाड़ी थी, मैं मौके पे पहुंचा हूं, मेरी टीम मौके पे पहुंची है और अभी हमने जेसीबी को फ़ोन किया है, गाड़ी को फ़ोन किया है, स्टाफ वालों को फ़ोन किया है। अभी क्या है, कोई उपचार तो करा नहीं सकते, क्योंकि गौ माता की हत्या हो चुकी है या गौ माता की मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण को देखते हुए जेसीबी को बुलाया है, अभी हम इसको दफनाएंगे। सभी काफ़ी लोग आए हैं, सभी ने हमने सहायता सहयोग किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नाम NHI जो हाईवे है दिल्ली सहारनपुर रोड, इस पे के एक गोवंश की हत्या हो गई है, इसी कारण इसकी भीड़। बागपत के पांडू रोड पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेकर आज नगरवासियों ने उस कार्य को रुकवा दिया है। उनका आरोप है कि जो उसमें सामग्री डाल रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी की डाल रहे हैं और जो मानक के अनुसार जो ठेका छोड़ा गया था, ठेकेदार उस पर काम नहीं कर रहा है। नगर पालिका द्वारा ठेका छोड़ा गया था, जिसको लेकर दिन रात उस पर काम चल रहा है कि जिससे कि वो चौड़ीकरण हो सके और वो रास्ता नया बन सके, लेकिन ग्रामीणों का आरोप कि मानकों के अनुरूप वह कार्य नहीं हो रहा, जिसको लेकर उन्होंने काम रुकवा दिया है और अधिकारियों की शिकायत की। इसलिए रुकवाया कि जो ठेकेदार है, जो उसके आदमी है, ये मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे, रात के टाइम काम करते हैं और जो तय है उसके मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे। रात भी इन्होंने जो लेयर डाली है, ना सफाई करी, ना गड्ढे भरे, ना रोडी डाली, और अब भी जो काम चल रहा है, अभी भी जो है बिना सीमेंट के रेत और वो मिला के बदरपुर उसका घोड़ सा फला के उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। कस्बे वालों को यहाँ रोज की निकलना बढ़ना रहवे है, इसका जो दुख दर्द है वो कस्बे वालों को ही होगा। रोज का आना जाना इसी सड़क से होता है, 10-12 साल से पहले यहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ है और अब काम हो रहा है तो सही मानकों पे, सही घटकों पे, ये पूर्ण रूप से तरीके से काम नहीं हो रहा है। रात को यहाँ पे काम चल रहा है और ये मटेरियल भी इतना ख़राब है कि सड़क दो दिन में ये दो दिन अगर ट्रक भी चले तो ये सड़क टूट जाएगी। जनपद बागपत में DM राजकमल यादव के सख्त निर्देश पर विकास प्राधिकरण की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ओयो के नाम से चल रहे एक अवैध रूप से होटल की छापेमारी कर उस पर उसकी सील लगाई गई है। यानी साफ तौर पर प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई जनपद में देखने को मिल रही है और लगातार जो भी अवैध होटल चल रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। होटल है सोनू मलिक का, जिस पर आज उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त कर सील लगा दी गई है। ये क्या ओयो होटल है ये? हाँ, इसकी जानकारी मिली है, ये ओयो होटल है, होटल है और यहाँ पर
पता लगा है कि गलत काम होते हैं। क्या शहर में इसके अलावा कितने होटल हैं और पहले हमारे संज्ञान में जो है वो नहीं है बाकी। आज जनपद बागपत में करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विवाहिता सोलह सिंगार कर उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं बागपत के गौरीपुर गांव में महिला एकत्रित होकर उन्होंने कथा की और जो महिलाएं आस पड़ोस से आई थी उन्होंने कथा सुनी है। साफ तौर पर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई जो महिला हैं व्रत रखकर शाम के समय में व्रत खोलती हैं। दरअसल बता दें आपको, करवा चौथ का पर्व प्राचीन है और बहुत सदियों सदियों से इसको मनाया जाता है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और पूजा आराध करती है, जिसमें साफ तौर पर जनपद बागपत में भी करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में इसकी बड़ी मान्यता मानी जाती है। बागपत मुबारकपुर के रहने वाले इंतजार एसपी ऑफिस पहुंचा। अपनी पत्नी के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर उसने न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया है कि उसके और उसकी घरवाली के साथ उसके भाई और ताऊ के लड़के ने मारपीट की है, जिसको लेकर वो थाने पर पहुंचे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। घरेलू कलेश के चलते उनके साथ कई बार छोटी छोटी बातों के साथ उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसको लेकर एसपी ने थाना कोतवाली को जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई की बात कही है। जी मैं कोटा लेने जा रही थी, मैं कोटा लेकर आई, मैं अंदर बड़ी मेरे को ऊपर से ईंट बरसान ली, फिर मैं ऊपर पहुंच गई, मेरा खून निकल रहा था। ऊपर जाते साथ मुझे पाइप था, मैं क्वार भेड़ कर निकली तो पाइप बजाना चालू कर दिया मेरा। किसने बजाया? जी चारों के है, नाजिम फुरकान साबरा ना रेशमा है, मेरे जेठ दुरानी देवर जेठानी है। एक महिला के दबंगई से परेशान होकर नगरवासियों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी से बताया कि एक दबंग महिला है, वहां लोगों के साथ अक्सर मारपीट और दबंगई करती है और विरोध करने पर 376 यानी छेड़छाड़ का मुकदमा थाने में दर्ज करा देती है, जिसमें कई लोगों पर उसने पहले भी लगवा चुकी है और आज एक युवक पर घर में उसके साथ मारपीट की और उस पर 76 का झूठा मुकदमा लगाया, जिसकी मुकदमे की निष्पक्ष जाँच के लिए एसपी ऑफिस से सभी लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। जी मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का है, वो दुकान पे से छुट्टी करके जा रहा था घर, तो उसे रास्ते में रोक लिया उसने। रास्ते में रोकने के बाद में जो है उसके साथ हत्थापाई करी, मार पिटाई करी और उसे अंदर खींच लिया, उसकी बाइक भी अंदर ही खड़ी कर ली और फिर थाने में रिपोर्ट कर दी और उस पर झूठा सच्चा इल्जाम लगा कि बलात्कार कर रहा था। भाई जी मोमिना है वो, हथनी कहते हैं उसे, सब मोहल्ले वालों का जिना दुश्वार कर रखा उसने, सब पे 76 का केस लगाती है, लड़की भी और माँ भी। पहली बार मेरे पे भी ऐसा ही लगा था, थाने में एप्लीकेशन, फिर इंस्पेक्टर के सामने मैं खड़ा होया, पेश होया, जब इंस्पेक्टर ने उसको ही धमकाई, सब पे यही इल्ज़ाम लगाती है जी और कोई नहीं है। क्यों लगाती है इल्ज़ाम? वह पैसों का लालच होगा जी उसे, कुछ ना कुछ भाई पैसे उतारी हो जाए, ऐसा मामला बहुत बहुत गंदी औरत है जी, सब मोहल्ले वाले परेशान है। बस शिकायत यही है जी, अभी उसने यही वारदात करी दोबारा एक लड़के के साथ में, तीन वारदात होली उसकी, तीसरा है अब जो केस।